भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से फ्री हुए हैं। उनकी टीम मुंबई इंडियंस एमआई आईपीएल प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। अब रोहित जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। मगर इसी बीच रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, फैंस के बीच सनसनी मचा दी है। पोस्ट देखकर लगता है कि रोहित काफी गुस्से में ये बात लिखी। दरअसल रोहित ने इस पोस्ट के जरिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टर चैनल को खरी खोटी सुनाई है। रोहित इस बात से नाराज है कि उनके मना करने के बावजूद चैनल में उनका पर्सनल वीडियो चलाया गया। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की भी पर्सनल लाइफ होती है, वो दोस्त से बात करते हैं, घूमते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, हर बात रिकॉर्ड कर चलाना सही नहीं है। रोहित ने भी पोस्ट में लिखा कि क्रिकेटर्स की जिंदगी काफी दखलअंदाजी वाली बन गई है। कैमरे हमारे हर कदम और बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम अपनी निजी तौर पर अपने दोस्त, खिलाड़ियों, ट्रेनिंग के दौरान और मैच वाले दिन करते हैं। रोहित ने यह भी कहा है कि जबकि स्टार स्पोर्ट्स से मना भी किया गया था कि इस बातचीत को रिकॉर्ड ना करें, उसके बावजूद उन्होंने ये रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद इसे ऑन एयर भी कर दिया, जो गोपनीयता का उल्लंघन है। एक्सक्लूसिव कंटेंट और न्यूज पाने के अलावा एंगेजमेंट पर फोकस करना एक दिन फैंस और क्रिकेटर्स के बीच में विश्वास खो देगा। हालांकि वीडियो में रोहित खुद कह रहे थे कि भाई ऑडियो बंद करो, एक ऑडियो ने मेरी वॉट लगा दी। शायद रोहित उस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें वो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। तब ये वीडियो चैनल पर चला और काफी वायरल भी हुआ।